आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया, सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत पसंद आया। थोड़े से प्लांट्स मुझे महंगे लगे ये बात। अदिति बना रही है केक, क्योंकि इसको भी कुछ बनाना आना चाहिए। हमेशा बोलती रहती है मम्मी ये बना के खिलाओ, मम्मी ये बना के खिलाओ। आप बना के नहीं खिलाते हो, इतना इजी होता है बनाना। आज इसको पता लगेगा कितना इजी और कितना मुश्किल है। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, हैप्पी होंगे, सब कुछ होंगे। मेरे हिसाब से जैसा मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, वैसे आप भी खुश और हैप्पी सब कुछ होंगे। ठीक है, तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। ओ नो, मैंने सिर्फ ब्लॉग स्टार्ट ही किया था, मैंने सोची कॉफी बनाते बनाते मैं आपके साथ बात करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, और इतने में मेरा जो दूध था वो मैंने गर्म करने के लिए रखा था तो वो निकल गया। पर कोई बात नहीं, ऐसे कहते हैं कि दूध निकलना और निकल के जब अपन बॉईल करके रखते हैं उसके बाद जो बह के जाता है ना वो दूध बहुत अच्छा रहता है, तो शायद हो सकता है कि इसीलिए निकला है। ठीक है, तो मैं पहले जल्दी से बना लेती हूँ अपनी कॉफ़ी और उसके बाद मैं करती हूँ आपसे बहुत सारी बातें। तो कॉफ़ी बनके हो चुकी है तैयार, मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। मैं बहुत ही प्लेन तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ और आजकल मैं वेट लॉस कर रही हूँ तो इसके लिए मैंने बनाई है गुड़ वाली कॉफ़ी, तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। ये है मेरी डार्क कॉफ़ी, थोड़ी सी मैंने हैवी बनाई है, लाइट वाली नहीं मेरे को अच्छी लगती तो मैंने थोड़ी हैवी वाली बनाई है। बट उसी के साथ साथ जो था वो दूध जो है वो निकल चुका है यहाँ पर, और ऊपर से तो मैंने साफ़ कर दिया था, ये निकल गया। फिर मेरी बन चुकी है, उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि कल हम लोग जो मेले में गए थे उस मेले में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो लेनी थी, बट उसमें एक बात हुई थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी कि मैं पैसे लेके जाना हम लोग भूल गए थे और जो फ़ोन पे था वो काम नहीं किया था, तो मेरा मन नहीं भरा, मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे जाना ही जाना है वापस, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मैं कैसे छोड़ सकती हूँ लाना। बट कल इतनी भीड़ थी, कल मेले का लास्ट डे था और कल मैं गई थी, मैं भी गई थी, बच्चे भी गए थे, एक हमारी फ्रेंड थी वो भी गई थी साथ साथ, उनके बच्चे और हस्बैंड सब लोग हम लोग गए थे साथ में। बट हम लोग घूमने के पर्पज से गए थे, थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, इसके पापा को कुछ कपड़े वगैरह लेके आने थे तो वो लेके आए थे, और साथ के साथ जो है हम उस मेले में गए थे तो मेले में मेरे को ज़्यादा चीज़ें तो नहीं मिली क्योंकि लास्ट डे था, सारी चीज़ें बिक चुकी थी, जो चीज़ हम उस दिन देख के आए थे उस दिन वो चीज़ें नहीं मिली थी। तो अभी फाइनली जो चीज़ें मिली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ज़्यादा चीज़ें नहीं मिली, दो चार तो मैं प्लांट लेके आई थी। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। बोधाजी मैं उस दिन लेके आई थी, प्लांट मैं इसमें आज लेके आई हूँ, दोनों एक बीच में लग रहा है, ये भी मैं आज ही लेके आई हूँ, और इसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा है, अभी तो फिलहाल के लिए इस तरीके से रखा है, बट अभी मैं इसको चेंज करूंगी, ये मेरा परमानेंट नहीं है रखने के लिए, मतलब नॉर्मली अभी मैंने ये ऐसे ही कल लाए थे तो तुरंत मैंने यहाँ पे रख दिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं लेके आई थी कल उस मेले में से। एक तो मैं ये वाला प्लांट लेके आई थी, बोधा जी मेरे पहले के थे, एक ये वाला प्लांट था, एक ये वाला प्लांट था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आप लोगों को कि जिस ये वाला जो प्लांट जिस स्टैंड पर रखा हुआ है ना वो मैंने खुद ने बनाया है घर पे लकड़ी का। कैसे बनाया है अगर आपको जानना है तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी आप लोगों को। बहुत इजी है, मुश्किल से आधे या एक घंटे में आप बना के इसको तैयार कर सकते हो, सिर्फ आपके पास इस तरीके की लकड़ियां होनी चाहिए बस, ठीक है। उसी के साथ साथ मैं दिखा देती हूँ, बाहर भी एक दो चीज़ रखी हुई है, एक दो प्लांट और है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। अदिति नन्नू जो है अपनी पढ़ाई फिनिश करके यहाँ पर बैठी हैं तो ये दोनों यहाँ पे खेल रही है। साथ के साथ हम ये वाला प्लांट भी कल ही लेके आए थे, ये बड़ा वाला, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी यहाँ पे पहले से था ये वाला, तो मुझे एक और चाहिए था सेम की सेम, तो ऐसे हम दो प्लांट्स लेके आए हैं। गिर गया ना, और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी बट इतनी भीड़ थी कि कुछ खरीद नहीं पाए। और यहाँ पर अदिति नन्नू खेल रही है, आ दो नानू, हाय, देखो क्या आइसक्रीम आइसक्रीम खेल रहे हो, कितने में आइसक्रीम? अच्छा हाँ हाँ, वाह, अच्छा आइसक्रीम आइसक्रीम खेल रहे हो फिर आप लोग। उसी के साथ साथ मैं जो है प्लांट्स के लिए लेके आई थी यहाँ पे, क्या लेके आए थे दीदी? ये क्या है? क्या खाद? हाँ तो खाद वगैरह लेके आए थे उसके लिए, अभी देना बाकी है, देंगे किसी दिन।
5 से 6 पैकेट हम लोग लेके आए थे ये। साथ के साथ आप लोगों को इसकी प्राइस बता देती हूँ, इसकी प्राइस है 150। साथ के साथ इनकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने लिया था 100 रुपये का विथ गमला विथ मिट्टी के समय, ठीक है। ये वाले लिए थे हमने 200, 320 रुपए के बोधा जी। ये वाले प्लांट लिए थे हमने 180 रुपए के। ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है, इनको बाहर भी नहीं रख सकते और अंदर भी नहीं रख सकते। मतलब इनको थोड़ी सी छाया में हल्की सी सनलाइट वगैरह आती होगी वहाँ पे रखना है, ठीक है। सेम ये वाला सेम ही है दोनों, इसमें वाइट कलर के ना फ्लावर्स आएंगे यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो आप लोगों को मेरा ये वाला आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत पसंद आया, सच्ची बताऊं तो मुझे बहुत पसंद आया है। थोड़े से प्लांट्स मुझे महंगे लगे, ये वाला ठीक था, 100 रुपीज का ये गमला इसके साथ में था, बट ये वाला थोड़ा महंगा लगा मुझे। और वो बाहर वाले अभी 150 का ठीक ही था। साथ के साथ पीते हैं कॉफी, तो आप प्लीज बताना मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मेरा इतना मन था कि मैं वहां पे जाऊं और कुछ लेके आऊं, बट प्रॉब्लम ये हो रही थी कि उन पे मतलब वहां पे जाना बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। कल मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था, कल जब हम लोग वहां पे गए थे तब। और उसी के साथ साथ आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चंस और थे, किसी ने मुझे क्वेश्चंस किए थे, किसी मेरी व्यूवर्स थे उन्होंने, तो उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका आंसर मैं अभी देने वाली हूँ यहाँ पे। और ये मेरा परमानेंट नहीं है अभी, मैं शायद हाँ ये चीज़ें बाहर भी रख सकती हूँ जब मेरा बालकनी का मेक ओवर होगा उस टाइम पर, या फिर मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ। जैसे भी रखूँगी आपके साथ पक्का शेयर करूँगी, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है ना, अदिति बोल रही है मम्मा आप बहुत दिन से बोल रहे हो मिले केक बनाओगे, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं OTG में केक। OTG मेरा वो रखा हुआ है, काफ़ी यूज़ थोड़ा कम होता है, मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि सुबह सुबह ये लोग स्कूल चले जाते हैं, स्कूल से आने के बाद 12:30 बजे आते हैं, फिर खाना वाना खा के सो जाते हैं, फिर शाम को उठ के पढ़ाई करने लग जाते हैं, फिर खाना बनाते हैं, फिर उसमें पूरा दिन निकल जाता है। तो आज वो बोल रही है मम्मा मुझे केक बना के खिलाओ, और साथ के साथ केक बनाएंगे उसके साथ साथ आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे उनका जवाब मैं दे देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों के क्वेश्चन ये थे कि दीदी आपका जो वॉच टाइम हुआ था वो कब पूरा हुआ था, तो मैं बता दूँ कि मेरा वॉच टाइम मेरे को स्टार्ट किए हुए चैनल को 3 साल हो चुके हैं, तो मेरा साल भर में मतलब शायद 5-6 महीने में जाके कुछ हुआ था, क्योंकि उस टाइम इतना पता नहीं था कि क्या वीडियो डालना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है करके बहुत मुश्किल से वॉच टाइम हुआ, बहुत मुश्किल से सब्सक्राइबर हुए थे, और कुछ कर करूँ के फिर वो हो भी गए उसके बाद। आप बहुत मुश्किल होती है यार YouTube की लाइफ, आप इजी मत समझो वॉच टाइम करने में, सब्सक्राइबर करने में। शुरू शुरू में ऐसा लगता है, अगर कोई सपोर्ट करता है तो बहुत इजीली हो जाते हैं, बट अगर आप खुद के दम पे सब कुछ खड़ा करते हो तो उसको करने में थोड़ा टाइम तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो उसका कुछ फल मिठाई मेरे को मिला, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो, वॉच टाइम हो और सब्सक्राइबर पूरे हो, बट फाइनली हो चुका था। उसके बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन, एक मेरी सिस्टर है उन्होंने किया था, तो उनका क्वेश्चन ये था कि दीदी आपने जो राज ये झुंझुनू वाली ड्रेस खरीदी है, मैंने 2 ड्रेस खरीदी, एक पहले खरीदी थी, एक अभी खरीदी थी, तो अभी की दिवाली पे खरीदी है वो वाली ड्रेस मेरी, दोनों ड्रेस का मैंने वीडियो डाला हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर मुझे वो पहले वाली ड्रेस का भी लिंक मिल जाएगा तो उसका भी डाल दूंगी, बट मैं बता दूं आप लोगों के वो मेरी 4,000 की ड्रेस थी जो पहले वाली 3.5 की कुछ, उसी में सिलाई वगैरह सब कुछ कुछ मिलू के 4,000 के समथिंग वो ड्रेस थी मेरी। और मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है, उन्होंने सिलवाया था, वो झुंझुनू की रहने वाली है, तो ऐसे कर करूँ के फिर वो उन्होंने वहाँ से तैयार करवा के भिजवाई थी, तो मुझे उसकी पता नहीं कि सिलाई का कैसे लेते हैं क्या लेते हैं, उन्होंने ही पूरा तैयार करवा के भेजा था। पर ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, अगर आप सिलवाने की सोच रहे हो तो बहुत सोच समझ के और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप लोग बनवाना, क्योंकि मैं तो इतना कुछ जानती नहीं हूँ, बट जिन्होंने मुझे बनवा के दी वो प्रॉपर झुंझुनू के साइड की हैं, तो उनको अच्छे से पता है कि कौन सी चीज़ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, कौन सा दुपट्टा अच्छा लगेगा, कौन सा लहंगा अच्छा लगेगा, और अभी क्या चल रहा है कपड़े में झुंझुनू साइड में, वो सब कुछ, ठीक है। के साथ एक क्वेश्चन ये भी था कि दीदी आप जो है घर कब आ रहे हो अभी, तो हम लोगों को आप लोगों से मिलना है घर अभी, मेरा होली पे अगर अदिति की हॉलीडेज लग जाएंगी तो मैं पक्का जाऊंगी, थोड़ा सा कुछ प्लानिंग वगैरह है, वो अगर हो जाएगा वैसा जैसे सोचा है वैसा अगर होगा तो होली से पहले जा सकती हूँ, होली के बाद भी जा सकती हूँ, हॉलीडेज इसके लग जाएंगे 24 से 28 तक, इसकी एग्जाम स्टार्ट हो रही है 24 से 28 तक, तो अगर तब तक इसकी ख़त्म हो जाएंगी और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सी नहीं बहुत ज़्यादा प्लानिंग है अभी की बार। प्लानिंग ये है कि
अभी नहीं बताऊंगी आपको, आपको गैस करना है कि क्या प्लान है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप कमेंट करना जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको कुछ समझ में आया है तो थोड़ी सी प्लानिंग वगैरह अगर वो हो जाएंगी तो उसके बाद घर पर जाके भी बहुत सारे काम है वो ख़त्म करने हैं, और बहुत जल्दी हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें सुनने को मिले। तो आप लोग गैस करके बताना मुझे क्या हो सकता है, ठीक है? तो जल्दी से बनाते हैं केक अदिति के लिए अभी, ओरियो बिस्किट का चलते हैं। और ये मैं बार बार पूछूंगी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, सच्ची बता रही हूँ कसम से, इतना सुंदर लग रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। और इसको अभी मैं बहुत अलग तरीके से यूज करने वाली हूँ आगे। आप निकालोगे, ऊपर चढ़ जाओ, इसी में एक साइड रखते जाओ, क्रीम इसमें रखते जाओ ना। तो यहाँ पे अदिति बना रही है केक, क्योंकि इसको भी कुछ बनाना आना चाहिए। हमेशा बोलती रहती है मम्मी ये बना के खिलाओ, मम्मी ये बना के खिलाओ, आप बना के नहीं खिलाते हो, इतना इजी होता है बनाना। आज इसको पता लगेगा कितना इजी है कितना मुश्किल है। मैं बनाऊंगा नहीं, आप भी बनाओगे। क्यों, मैं क्यों बनाऊं, आप सीख रहे हो ना। मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं क्रीम निकालने में। ठीक है, निकालो दोनों, ठीक है? बनाओ केक, मैं भी खाऊंगी, आप बनाओ। ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हैं और उसका बना रही है केक। जल्दी जल्दी से निकालो, तब तक मैं बाकी के वो ओटी गरम करने के रखती हूँ, ठीक है? हाँ, देख मैं कितने ऊपर करूँ, हो गई, लो। हाँ बैठ जाओ, केक बन रहा है भैया, केक देखते हैं आज कैसा केक बनाते हैं ये लोग। अच्छा, इससे निकालो ना, चाकू से निकालो, चटनी करो, जल्दी जल्दी निकालो फटाफट फटाफट। वो निकल गई ना उसकी क्रीम, उसको प्लेट में रखो इधर वाली में। तो यहाँ पे हमने दो पैकेट ओरियो ले ली थी, उसकी क्रीम अलग निकाल ली थी, और उसके बाद हमको चाहिए ये वाली चॉकलेट मेल्ट वाली, और उसी के साथ साथ उसको डेकोर करने के लिए हमने ली है तो यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है मैंने, और ये है वनीला एसेंस, उसी के साथ साथ चाहिए बेकिंग पाउडर। तो ये हो गया बेकिंग पाउडर, तो बनाना करते हैं स्टार्ट। इसमें बनाएंगे, ये केक टिन है, पर मेरे को लग रहा है कि केक जो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए बहुत कम है और इसमें बनेगा थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, ओटीजी को करेंगे ऑन और इसको रख देंगे प्री हीट होने के लिए। यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया 20 मिनट के लिए, 180 डिग्री पे रख दिया है। साथ ही साथ अब इसको हम बाकी की चीजें कर लेंगे तैयार, और ये हम कर लेंगे ग्राइंड। सबसे पहले ओरियो ग्राइंड, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ओरियो ली थी दो पैकेट, उसी में साथ साथ उसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इसमें मैं दूध ऐड करूंगी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी, उसका एक जो स्मूथ बैटर होता है वो बना के तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा ही डालना है आपको, एक ही साइड में इसको घुमाना है बार बार, क्योंकि उसको एक साइड घुमाने से थोड़ा सा अच्छा सा उसकी जो फ्लफीनेस है वो अच्छे से बनेगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध और डाला क्योंकि मुझे हल्का सा गाढ़ा लग रहा था, और उसके बाद आपको इसको स्पून से चलाते जाना ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड करनी है। मेरी मानो तो क्रीम अगर आप एक बार हल्की सी गरम करके, अगर इसको थोड़ा सा गैस पे गरम पानी पे रख के गरम करके डालो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अच्छे से गरम होगी तो ही अच्छे से बन पाएगा आपका केक। थोड़ी सी मैं इसमें चॉकलेट डालूंगी यहाँ पे मेल्ट वाली, उसके बाद इसको हल्का सा और मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है इसमें मैं डालूंगी बटर, जिस मोल्ड में हमको इसको रखना है, जिसमें इसे बनाना है, उसमें थोड़ा सा मैं बटर लगा लूँगी। बटर लगाने के बाद जो है अच्छे से इसमें जो बैटर बनाया है उसको डाल के रख दूंगी, और फिर इसको रखेंगे हम लोग ओटीजी में। उसके बाद इसमें आपके पास अगर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर है तो आधा स्पून वो डालना है, आधा आधा। यहाँ पे डालेंगे हम लोग बनाना एसेंट और रख देंगे बनाने के लिए अब इसको, और डाल देंगे जिस मोल्ड में हमको इसको बनाना है, जिस कटोरी में बनाना है उसमें डाल के इसको रख देंगे ओटीजी में। और आप देख सकते हो कि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा लग रहा था तो मैंने दो बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले से ही प्री हीट पे रख दिया था, रखने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आपके थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हुआ है। और अभी मैं आपको इसको छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आराम से। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इसमें हल्के हल्के से जो है पकना स्टार्ट हो चुका है, वो इसके जो बबल्स हैं वो निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा जो केक है छोटा वाला वो बन गया, तैयार हो चुका है। इसको निकाल लेंगे, पहले चेक कर लेंगे एक बार, एक डंडी लेंगे यहाँ पे लकड़ी की, और इसको इसके अंदर डाल के देखेंगे कि आपका जो बैटर है वो पूरी तरीके से पक चुका है या नहीं, और उसके बाद आपका केक जो है रेडी हो चुका है।
रहा है बन के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डंडी बिल्कुल क्लीन आई है, तो बिस्का मतलब बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड वाला केक भी बन चुका है, बड़ा वाला भी। तो अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है, पूरे मतलब दुकान जैसा लग रहा है बिल्कुल। मैंने ना सेकंड टाइम बनाया, मैंने पहले कभी केक नहीं बनाया, ओटीजी में मैंने फर्स्ट टाइम बनाया। आप लोग बताना कॉमेंट करके आपको कैसा लगा, ठीक है। तो अभी मैं बताती हूँ उसको फाइनल लुक। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। छोटा सा ब्लॉग था, बच्चों के साथ एंजॉय किया था। बच्चे बहुत दिन से बोल रहे थे केक बनाने की, केक बहुत टेस्टी बना था, और वो एक पीस मैंने आपके लिए बचा के रखा था। वो सब आप लोग खाना, ठीक है, उस एक पीस को। उसके बाद आज का ब्लॉग मेरा बहुत अच्छा गया। जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ अभी कुछ करने की, वो होती जा रही है साथ के साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बता दिया करो कोई कमी अगर ब्लॉग में होती है तो। ठीक है, बाय।